हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू वन मोर ब्यूटीफुल रियल एस्टेट ब्लॉग ऑफ रियल एस्टेट मित्र रायपुर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने लेके आया हूँ दलदल सिवनी मोआ सड्डू के लोकेशन का एक और बेहतरीन TNC एंड रेरा अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रोड दिख रही है आपको, ये मितान विहार दलदल सिवनी मेन रोड है और ठीक मेरे पीछे आपको एक दिखेगा बहुत ही बेहतरीन फुली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड TNC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, मैं इस वक्त एंट्रेंस गेट पे खड़ा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दलदल सिवनी मितान विहार रोड है जो कि आपके रिंग रोड नंबर 3 को टच करती है। इस तरफ आपका दलदल सिवनी और अंबुजा मॉल के लिए आप जा सकते हैं। अभी मैं आपको डिस्टेंसेस भी बता दूंगा। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस सोसाइटी का, फुली कवर्ड रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट विथ 60 फीट मेन एंट्रेंस रोड। यहाँ पे आपको एक गार्डन एरिया भी दिख जाता है एंट्रेंस पे ही। और यहाँ पे एक अभी अपार्टमेंट बिल्डिंग रेडी हो रही है इस प्रोजेक्ट की, जो कि मेरे को लगता है 1 से 2 महीने के अंदर इसमें भी आपके लिए मैं आपको वीडियो ला के दूँगा। तो दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं प्रोजेक्ट के लिए और ये आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य, बहुत ही बेहतरीन एंट्रेंस गेट है इस सोसाइटी का। ये टोटल 17 एकड़ की सोसाइटी है। ठीक सामने आप देख सकते हैं मेन रोड है, जो कि मैंने आपको बताया दलदल सिवनी और मितान विहार मेन रोड है। ये आप एंट्रेंस रोड देख सकते हैं, 60 फीट मेन एंट्रेंस रोड है। और ठीक एंट्रेंस पे आप आते हैं तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सोसाइटी का लगभग 1.5 एकड़ का क्लब हाउस दिख जाता है विथ ऑल एमिनिटीज़। जितने भी एक प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ होनी चाहिए, क्लब हाउस में होनी चाहिए, वो सब एमिनिटीज़ अपने को यहाँ मिल जाएंगी, वो हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल हम प्रोजेक्ट की ब्यूटी देख लेते हैं। तो ये आपको मैंने आपको बताया एंट्रेंस गेट हो गया, 60 फीट की मेन रोड है जो कि आपकी लास्ट तक जाती है। मैं इस वक्त एक अंडर कंस्ट्रक्टेड घर की छत पे खड़े होकर ये व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल पाए इस सोसाइटी का। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो सामने जो आपको रोड दिख रही है वो है आपका दलदल सिवनी मितान विहार रोड, जो कि आपके रिंग रोड नंबर 3 को टच करती है, इंडस्ट्रियल एरिया को टच करती है। अगर आपका वर्किंग उरकुरा सिलतरा इस तरफ के इंडस्ट्रियल बेल्ट में है तो उसके लिए आपके लिए प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन होने वाला है। अगर आपका वर्किंग पंडरी या इस तरफ विधानसभा रोड की तरफ है तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर सिटी के बीच का प्रोजेक्ट है और काफ़ी अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की अब मैं आपको सारी खूबियाँ और प्लस पॉइंट्स बताता हूँ। हर 5 प्लॉट के बाद, ये आप देख सकते हैं 5 प्लॉट की एक पट्टी है, तो हर 5 प्लॉट के बाद एक 5,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 गार्डन मेरे को इस व्यू से फिलहाल दिख रहे हैं। टोटल 10 गार्डन हैं इस सोसाइटी में। 17 एकड़ की टाउनशिप है और टोटल 10 ऐसे गार्डन हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए और वॉकिंग के लिए, देख सकते हैं वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है हर गार्डन में, तो वॉकिंग के लिए और नेचर ऑक्सीजन लेने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 60 फीट की मेन रोड है और 40 फीट और 30 फीट की साइड रोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बिल्डर ने यहाँ पे। और अब मैं अगर बात करूँ सोसाइटी के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पॉइंट्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको रोड के बारे में बता ही दिया है, बाकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जितने भी हैं, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन है पूरा अंडरग्राउंड है। LT और ST की केबल्स के लिए अलग अलग पाइपलाइंस डलाई गई हैं। सीवेज के लिए अलग से आपका ड्रेनेज है और रेन वाटर के लिए अलग से ड्रेनेज है। तो कोई भी आपको यहाँ पे जो ड्रेनेजेस हैं वो मिक्स होते हुए नहीं दिखेंगे। टोटल जैसे कि मेरे को बताया गया है 4 अलग अलग ड्रेनेजेस हैं और जितने भी ड्रेनेजेस बनाए हैं सारे RCC के द्वारा बनाए गए हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट, ना कि ब्रिक वर्क के द्वारा। तो ये बहुत ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है बिल्डर द्वारा यहाँ पर। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कितने ब्यूटीफुल स्ट्रीट लाइट्स दिए गए हैं। पानी की टंकी उधर दी गई है 1 लाख लीटर की, वो नीचे समफेल 2 लाख लीटर का दिया गया है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 8.5 किलोमीटर पड़ जाता है। अंबुजा सिटी सेंटर मॉल आप वहाँ देख सकते हैं, मेरे को यहाँ से दिख रहा है लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अंबुजा मॉल है यहाँ से। और इस तरफ मैं आपकी बात करूं तो ये आपका उरकुरा सिलतरा वाला बेल्ट है जो कि रिंग रोड नंबर 3 से आपको टच करेगा। वो आप देख सकते हैं रोड जा रही है, वो रिंग रोड नंबर 3 को टच करेगी। ठीक सामने भी जो रोड दिख रही है, जो मैंने आपको बताया मितान विहार दलदल सिवनी रोड है, वो प्रपोज्ड 4 लेन रोड है। 0.5 किलोमीटर दूरी पर ही रोड 4 लेन आ चुकी है। इस तरफ जो आपको एरिया दिख रहा है पूरा ग्रीन, वो 70 एकड़ का इंदिरा गांधी स्मृति वन है जो कि एक नेचुरल ऑक्सीजोन है यहाँ का एरिया का, जो कि सिर्फ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है।
अंबुजा सिटी सेंटर मॉल जैसे मैंने आपको बताया 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, साइंस सेंटर सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार 3 किलोमीटर की दूरी पर है, डीकैथलॉन और अवंतीबाई चौक सब मतलब लिमिटेड बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है। यहाँ से आपको सामने में जो बिल्डिंग दिख रही है सोसाइटी आपको दिख जाएगी अपोजिट में दूरी में, वो आपको अविनाश कैपिटल होम्स की दिख जाएगी, वहाँ पे एक बिल्डिंग आपको दिख रही है बनते हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया सिटी के बिल्कुल मध्य में है हम, आसपास पूरा ग्रीनरी और ऑक्सीजोन है। प्लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1082 स्क्वायर फीट के स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया। मैंने आपको जैसा आपको बताया हर 5 प्लॉट के बाद एक गार्डन मिल जाता है, कॉर्नर के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी एंड गार्डन फेसिंग प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी अभी है हमारे पास यहाँ पे। और एक मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँगा 1082 यानी कि राउंड फिगर 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमें लगभग 30 लाख रुपये में पड़ जाता है यहाँ पे। दोस्तों मैं सब सोसाइटी में बैक साइड में आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ मकान बन चुके हैं, 4 से 5 यहाँ फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं और लगभग 10 से 15 फैमिलीज और यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे कुछ मकान आपको रेडी पोजीशन मिल जाएंगे, लगभग 50 लाख के बजट में आपको यहाँ रेडी पोजीशन 3 BHK मकान मिल जाएंगे, उनके लिए मैं आपको अलग से व्लॉग बना दूंगा। दोस्तों यहाँ आपको एक सोसाइटी का बहुत ही ब्यूटीफुल शिव जी का मंदिर मिल जाता है यहाँ पे, ये भी पूरा एक गार्डन एरिया दिया गया है, यहाँ पे आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन यहाँ पे डेवलप किया गया है, लैंडस्केप गार्डन, और बहुत ही सुंदर एलिवेशन के साथ मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये हम लोग सोसाइटी के एकदम लास्ट में आ चुके हैं और मतलब आप देख सकते हैं फुली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा चुका है बिल्डर द्वारा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया RCC रोड्स बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर पाम ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे एकदम बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनाई गई है। तो दोस्तों हम लोग क्लब हाउस की तरफ जा रहे हैं और क्लब हाउस पे एंट्री करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कार पार्किंग स्पेस दी गई है जिसको हम ओपन फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ आपका एक नेट क्रिकेट पिच भी मिल जाता है आपको और इस तरफ एक ओपन स्टेज मिल जाता है, फ्लैग होस्टिंग एरिया दिया गया है। इस तरफ हम अब चलेंगे आगे तो आपको वहाँ पर एक स्विमिंग पूल एंड एक पीछे का भी गार्डन एरिया दिख जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अभी क्लब हाउस के लिए एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना विशाल और भव्य क्लब हाउस बनाया गया है बिल्डर द्वारा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आलिशान क्लब हाउस बनाया गया है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लैंडस्केपिंग गार्डन किया गया है। इस तरफ में आपको नीचे एक कम्युनिटी हॉल मिल जाता है, पूरा बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है, लगभग 400-500 लोगों के गैदरिंग के हिसाब से कम्युनिटी हॉल है, और पीछे जो भी कम्युनिटी हॉल में स्पेसेस रहती हैं किचन वगैरह वो सब पीछे आपको मिल जाएगी। इस तरफ में आपका एक स्विमिंग पूल दिया गया है और बाकी पूरा पाथवे बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए एंड ओपन पार्टीज़ के लिए, स्विमिंग पूल पार्टीज़ जैसा आजकल कल्चर होता है तो उसके लिए भी एक एरिया दिया गया है, या पूरी वॉल दी गई है स्विमिंग पूल की प्राइवेसी के लिए। और उस तरफ पीछे जाएंगे तो हम बाकी एरिया और एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में। दोस्तों इस वक्त हम क्लब हाउस के ऊपर आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे भी काफ़ी आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे देखने को। इस तरफ भी काफ़ी रूम्स हैं जैसे कि क्लब हाउस में रूम्स रहते हैं, गेस्ट रूम्स रहते हैं, और यहाँ पे आपको योगा रूम मिल जाता है, अलग से जिम मिल जाता है। देखिए अभी इस वक्त सारे रूम्स बंद हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी क्लब हाउस जो है बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी लैविश स्पेशियस क्लब हाउस है ये, विथ ऑल एमिनिटीज़ जो कि एक TNC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम सोसाइटी में होना चाहिए, सिटी के बिल्कुल मध्य में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला TNC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका रहना या आपका वर्किंग पंडरी लोकेशन पर है, विधानसभा रोड पर है, आपका उरकुरा या सिलतरा लोकेशन पर आपका वर्किंग है और आप उसके आसपास में एक बहुत ही सुंदर TNC अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, कवर्ड सुंदर सा प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं विथ अफोर्डेबल रेट्स, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है। रेट्स है सिर्फ 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट, लगभग 30 लाख के बजट में आपका 1100 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाता है यहाँ पे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई परिचित इस एरिया में दलदल सिवनी मोआ सड्डू लोकेशन में प्लॉट्स देख रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स या घर देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।